एंटरटेनमेंट, मैं हूँ ऐश्वर्या गुप्ता, मेरे साथ मौजूद है वैशाली। तो भाई आज हम लॉकअप के अपडेट्स लेकर आए। तो अभी मतलब देखा जा रहा है कि भाई सब कंटेस्टेंट पहुंच गए हैं, लड़ाई भी स्टार्ट हो गई। जहां हम बिग बॉस में 3-4 दिन तक लड़ाई नहीं देखते थे, वहां ये तो एकदम से ही स्टार्ट हो गई है। और मतलब लोग भी काफ़ी एकदम एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो अभी निशा का मैंने सुना, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? तो आपको बता दें टेलीविजन की संस्कारी बहू जो बीते साल काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में रही थी अपने पति के साथ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो अब घर की कंटेस्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि सारे कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स ही शामिल हुए हैं। तो अब जब उनके बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है ना, तो घर वालों में ना एक अग्रेशन देखने को मिल रहा है, और वो इसीलिए काफ़ी अग्रेसिव तो हो ही रहे हैं। साथ ही साथ जब उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही है, तो अब निशा रावल ने ये फैसला कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि वो हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर रहने वाली है। पर अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये कुछ कि कब तक ये भूख हड़ताल पर रह पाती है, या क्या इससे उनकी हेल्थ इश्यूज कुछ हो जाएंगे, या फिर क्या कंगना उनको कोई और सुविधा देगी, या फिर उन्हें और सज़ा मिल जाएगी, देखने वाली बात है। क्योंकि नया शो है, नया कॉन्सेप्ट है, और नए कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स हैं, तो किस तरह से फैंस को ये एंटरटेन करते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हम आपके लिए लॉकअप से जुड़ी पर्पल की अपडेट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और ऐश्वर्या को दीजिए इजाज़त, बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।